अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है प्रपोजल वो सेंड करके दिखाऊंगा एक क्लाइंट को। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रपोजल राइटअप करना चाहिए। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जॉब है, वेबसाइट डिज़ाइन। क्लाइंट ने लिखा है, हेलो माई हस्बैंड एंड आई आर ओपनिंग अ फायर प्रोटेक्शन बिजनेस एंड नीड समवन एक्सपीरियंस टू मेक अस अ वेबसाइट। What do you need in order to do this? Just a domain? Client ने question भी किया। अब हम इसके ऊपर proposal write up करेंगे। Proposal write up करने से पहले कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। इसका जो hourly rate है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लाइंट ने ये कहीं पे मेंशन नहीं किया कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए, तो हम वर्डप्रेस में बना सकते हैं, जो कि स्किल है या जो भी आपकी स्किल है। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ आपने देखनी है। तो यहाँ पे देखें, ये जो इंटरव्यूइंग है, ये अभी इसने किसी का भी इंटरव्यू नहीं किया, मतलब मेरा चांस अभी स्टिल है मैं इस पर अप्लाई करूँ, तो हो सकता है ये मेरा इंटरव्यू करे और मैं ये मुझे हायर कर ले। अगर ये यहाँ पे 4-5 का इंटरव्यू कर रही हो तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो इतना उसके पास टाइम नहीं है कि वो उसके अबाउट वो सारी चीज़ें ऐड कर दे। तो यहाँ पे देखें, प्रपोजल 50+ हो चुके हैं, इस पे ऊपर लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि लेस देन 5। लेकिन अगर जॉब पे आप कॉन्फिडेंट और यहाँ पे किसी ने उसका वो इंटरव्यू नहीं कर रहा, हायर नहीं किया उसने, यहाँ पे शो हो जाएगा अगर वो हायर कर चुका होगा, तो फिर आपने अप्लाई नहीं करना। अदरवाइज ये प्रपोजल 50+ भी हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है जॉब के ऊपर तो अप्लाई करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट अ जॉब प्रपोजल। ओके, यहाँ पे सबमिट करने से पहले कुछ चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें, राइट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, अबाउट द क्लाइंट। ओके, यूनाइटेड स्टेट से क्लाइंट है, इससे ये पता चल रहा है कि ये क्लाइंट नहीं हुआ है, ठीक है। और पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, आपने उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करना है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। नॉर्मली नॉन वेरीफाइड भी स्कैम ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। तो आपने सेफ एंड सिक्योर रह के अगर आप कनेक्ट खर्च ही कर रहे हैं, तो आपने पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ एक जॉब पोस्ट की है, टोटल स्पेंड अभी $60 ये स्पेंड कर चुकी हैं, और इसका एवरेजली रेट जो है $25 पर आवर है। तो अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के बताता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट ने जो प्रीवियस पेमेंट्स की हैं वो यहाँ पे देखें, डिज़ाइन अ फ्लायर टू प्रमोट फायर सेफ्टी बिजनेस $25 पर आवर, $65 इसने पे किए हैं एक डिज़ाइनर को सिर्फ एक फ्लायर बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि क्लाइंट की विलिंग पावर क्या है, क्लाइंट की पेइंग पावर क्या है, क्लाइंट कितने पे कर सकता है। यहाँ पे देखें, उसने $25 पर आवर पे हायर किया बंदा, इसका मतलब है कि हम $10 पर आवर पे उसको बिड ना करें, 25 से 30 या $35 के दरमियान हायर मतलब बिड करें, राइट। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमें क्लाइंट का आइडिया हो जाएगा कि उसके 5-star क्या हैं, उसके हायरिंग रेशो क्या है, कितनी जॉब्स उसने पोस्ट की हैं, कितने लोगों को क्या क्या पे किया है। हो सकता है उसने कोई एक और मतलब पहले एक वेब डिज़ाइनिंग की जो जॉब है वो पोस्ट कर चुकी हो और यहाँ पे उसका जो है वो बिल आ रहा हो। लेट्स सपोज उसने $1000 पे किया, तो इसका मतलब ये है कि वो एक वेबसाइट डिज़ाइन की प्रोजेक्ट के लिए $1000 दे सकती है। तो आपने फिर यहाँ पे जब बिड करना है और यहाँ पे जब प्राइसिंग सेट करनी है, तो उसी लिहाज से करनी है। अब क्लाइंट का बजट है 60 से 90 और मैं $20 पर आवर पे कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट फेयर। तो मैं यहाँ पे $45 कर देता हूँ, जो कि मुझे क्वाइट सूटेबल लग रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना जो ये कवर लेटर है इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ से खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। और अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको चेंज करूँगा। ओके, तो इसका जो बिजनेस है वो है फायर प्रोटेक्शन बिजनेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय देयर, इट सीम्स दैट यू नीड अ हेल्प रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन फॉर योर फायर प्रोटेक्शन बिजनेस। ओके, और यहाँ पे आई एम हेयर टू हेल्प एज आई एम ए प्रोफेशनल एज आई एम प्रोफेशनल टू डिजाइन एंड डेवलप अपीलिंग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड फायर लॉजिंग वेबसाइट। आई हैव डन सिमिलर प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट
और यहाँ पे हम लिख देते हैं विच मीन्स आई एम वेल अवेयर अबाउट द बिजनेस एंड कैन गिव यू अ हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, मैंने डेढ़ से दो लाइनों के अंदर इसको सम अप कर दिया, क्लाइंट को बता दिया क्लाइंट को क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ उसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको कॉल टू एक्शन एक दी है, ठीक है। उसके बाद आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड यू, इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हैं और यहाँ पे मैंने सेम वही रहने दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखें, इसने बिजनेस अपने मेंशन कर दिया है, फायर प्रोटेक्शन बिजनेस है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि बिजनेस क्या है और उसके रेलिवेंट में कुछ यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। अगर क्लाइंट बिजनेस मेंशन ना करे तो फिर आप इस तरह जनरल रह सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता है फायर प्रोटेक्शन बिजनेस है तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट्स इन वेटो के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन और मैं किसी तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ से उसी तरह के कुछ डिज़ाइंस ले लूँगा, उनके लिंक्स ले लूँगा। अब मेरा जो निश है वो वर्डप्रेस है, तो ये फायर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ला फायर फाइटर्स, तो ये दो डिज़ाइन मुझे मिल गए। इनका मैं लाइव प्रीव्यू ओपन कर लूँगा इस तरह से, और इनको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा कुछ इस तरह से, फायर प्रोटेक्शन वेबसाइट डिजाइन्स आई हैव, और इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो इन दोनों डिजाइन के लिंक्स को। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि ऐसे डिजाइन्स आपने यहाँ ऐड करने हैं जो कि काफी ज्यादा वो हो, अट्रैक्टिव हो। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों डिज़ाइन काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं, तो मैंने इनको उठा लिया, इसको उठा लिया। अब अगर क्लाइंट कहता है मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इसकी टेम्पलेट अवेलेबल है, इसको मैं यूज़ करके उसको सेम एग्जैक्टली यही वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैं, अब आप अपने नीश के मुताबिक, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कॉन्टेंट राइटर हैं, आप अपना पोर्टफोलियो अटैच कर सकते हैं या आपने जो प्रीवियस वर्क किया हो वो कर सकते हैं। अब मेरा जो नीश है वो कुछ इस तरह से है, तो मुझे इस तरह से उसको अप्रोच करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर आपका आपके कोई प्रीवियस वर्क के अटैचमेंट्स हैं, यहाँ अटैच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है बूस्ट योर प्रपोजल, आपको एक्स्ट्रा कनेक्ट्स देने पड़ेंगे आपके कंपेटिटर्स और लोग जो यहाँ पे बिड कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनको बीट करके आपको प्रपोजल क्लाइंट के सामने सबसे पहले आए, तो आप यहाँ पे जो है उस कनेक्ट्स यूज करते हुए अपने प्रपोजल को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से बूस्ट करूँगा, 15 कनेक्ट्स के साथ इसको बूस्ट कर दिया मैंने, ताकि मेरा जो प्रपोजल है सबसे टॉप पे नज़र आए क्लाइंट से और मेरे हायरिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली, मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से आप एक अच्छा प्रपोजल लिख के और सबमिट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।